देखिए, अजमेर ने पुनः एक इतिहास रचा है। अजमेर की एक समृद्ध परंपराएं रही हैं और आज अजमेर से माननीय जो सदस्य हैं, हमारे अजमेर उत्तर से जो चुनाव जीते हैं, वो आज विधानसभा अध्यक्ष उनको सर्वसम्मति से बनाया गया है। निश्चित रूप से उनका जो अनुभव है, उनका जो नॉलेज है और जिस तरह से वो सबको साथ लेकर के काम करते हैं, उससे राजस्थान में एक पुनः नई परंपराएं स्थापित होगी। अच्छे से हम सदन को चला पाएंगे और ये सदन की जो भी प्रक्रियाएं होंगी उससे आम जन को लाभ मिलेगा, क्योंकि जब सदन में सत्ता और नापक्ष दोनों मिलकर के अपनी कोई बात कहते हैं, उस पर जो मंथन होता है और उसमें से जो अमृत निकलता है, वो निश्चित रूप से जनता के लिए एक सुखकारी होता है, उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो मुझे आज का जो चयन हुआ है, निर्वाचन हुआ है, उससे यही सीधा सीधा संदेश जाता है। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों को इस बात की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और माननीय अध्यक्ष जी को शुभकामनाएं देती हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि पहले विधानसभा में हम 2003 से चुन के आते हैं और एक नई परंपरा स्थापित की गई थी भैरव सिंह जी के समय में कि जो भी माननीय सदस्य को अपने क्षेत्र से संबंधित कोई भी विषय यदि तत्काल उठाना होता था तो वो पर्ची डलती थी और पर्ची में जिसकी लॉटरी निकलती थी वो माननीय सदस्य अपना विषय रख सकता था। लेकिन पिछले बार वो चूंकि नियम कायदे कानून में नहीं थी व्यवस्था, इसलिए उसको हटा दिया गया और हमारी बात को कहने से रोक दिया गया। लेकिन अब पुनः मेरा आग्रह रहा अध्यक्ष महोदय से कि भाई उस परंपरा को वापस शुरू करेंगे ताकि आम जन के जो विभिन्न विषय हैं, जो तत्काल क्षेत्र की घटनाएं घटती हैं, उनके विषयों पर भी हम बात कर सकें और उनका समाधान प्राप्त कर सकें। अनिता जी, मंत्रिमंडल को लेकर फोन किए जा रहे हैं विधायकों को, आपके पास में किसी प्रकार का फोन आया क्या? देखिए, ऐसा नहीं है और यदि फोन किए जाएंगे तो वो निश्चित रूप से जिन माननीय सदस्यों को बनाना होगा संगठन की ओर से, उनको निश्चित रूप से समय पर सूचना मिल जाएगी।